हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोमीज म्यूजिक कुकिंग एंड क्राफ्ट। अभी मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी क्रिसमस क्रीम। तो बहुत ही इजी प्रोसेस से बनाऊंगी कि कोई भी इसे बना सके। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड के पीसेस और ये जो फॉइल पेपर के रोल है, ये रोल मैंने दो पीस ले लिया है सेम साइज के। और चाहिए हमें कटर, सीजर, रूलर, पेंसिल एंड ग्लू। मैंने एक बड़ा साइज का कार्डबोर्ड के पीस ले लिए है और इसे ऐसे दोनों साइड से तो थोड़ा प्रेस करते हुए ऐसे फोल्ड कर दिए हैं कि ये बिल्कुल सेम साइज का, ये जो पोर्शन है ऊपर का, दोनों सेम साइज का बन गए हैं। तो ऐसे हमें कार्डबोर्ड के पीस चाहिए। ये जो कार्डबोर्ड के पीस है इसको हमें ऐसे, इसको ऐसे स्टैंड करना है। तो ये नीचे का जो बेस बन जाएगा और ऊपर का पोर्शन भी बन जाएगा। तो ऐसे हमें इसको स्टैंड करना है और इसके साइड में हमें दो कार्डबोर्ड के पीसेस लगाना है। तो ये जो कार्डबोर्ड के पीसेस, इसको हमें ऐसे ऐसे रख के इसको शेप में हम काट लेंगे। दोनों कार्डबोर्ड के पीस मैंने सेम साइज में ऑलरेडी काट के रखे हैं और दो रोल जो ये मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, ये बिल्कुल सेम साइज का रोल होना चाहिए। पहले एक रोल को ऐसे रख लेंगे और फिर इसका, इसके साइड में ये वाला कार्डबोर्ड के जो पीस है इसको रख देंगे और फिर यहाँ पे निशान लगा लेंगे कि कितना हमें कोना करके इसको काटना है। तो ऐसे सेम दोनों साइज में, दोनों दोनों साइड का सेम कार्ड लेंगे ऐसे। देखिए ये दो पीसेस मैंने कार्ड लिए हैं, तो ये ऐसे रखना है हमें और ऐसे इसके ऊपर से इसको ग्लू से ऐसे सेट करना है। तो पहले हम इसे सेट कर लेते हैं। ये मैंने ग्लू लगा दिए हैं, अब इसको ऐसे सेट कर देंगे। खूब अच्छे से ग्लू लगाना है दोनों साइड में और नीचे भी अच्छे से ग्लू लगाना है और फिर ऐसे दोनों को ऐसे सेट कर देना है। ये दो सेट हो गए हैं। तो अब जो ये रोल रखे हैं तो रोल को ऐसे सेट करना है। तो रोल के भी नीचे यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे। ठीक इसके सामने सेट करना है। और थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के ये कार्डबोर्ड के साथ भी इसको जोड़ देना है। अब यहाँ पे ग्लू लगा देंगे और इसको ऐसे जोड़ देंगे। ये अब सेट हो चुके हैं। तो अब जो मैंने कार्डबोर्ड के ये जो ऊपर वाला कागज को हटा दिया है और ये जो पोर्शन है ऐसे मैंने ले लिए हैं, कुछ पीसेस पहले से मैंने निकाल के रखे हैं। और ये जो है ऐसे अब इसको हम ऊपर का शेड बना देंगे, ऐसे करके ग्लू से सारे जोड़ देंगे।
इसको मैंने अच्छे से ग्लू लगा के सेट कर दिए हैं। अब एक पतला सा ऐसे पीस काट लिए हैं कार्डबोर्ड के, ग्लू खूब अच्छे से लगाना जरूरी है, नहीं तो टिकेगा नहीं। तो ऐसे इसके ऊपर से एक ऐसे लगा देंगे। अब एक बड़ा सा कार्डबोर्ड के पीस ले लिए हैं लंबा, और ये वाला यहाँ पे सेट कर देंगे। तो एकदम नाप लेके इसको थोड़ा सा, जैसे एक्स्ट्रा ये जो है इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके मैंने रखा है, तो इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। ये यहाँ पे अभी इसको अच्छे से ग्लू लगा के सेट कर देंगे। कुछ फोटोज़ को मैंने ऐसे कार्डबोर्ड से, पहले कार्डबोर्ड के ऊपर ग्लू लगा के सेट कर दिया था और इसको कट कर लिए हैं। तो अब इसको छोटे छोटे पीछे स्टैंड लगा के और इसके अंदर में सेट कर देंगे। उससे पहले हमें कुछ हे चाहिए, तो मेरे पास नहीं था तो मैंने ये पेपर से, ब्राउन कलर के पेपर से ये बनाई। तो बहुत ही पतला पतला करके काट लिए हैं ब्राउन कलर के पेपर को, जैसे ऐसे पेपर को बहुत ही फाइनली हमें इसको काटना है। ऐसे इसको नीचे बिछा दिया है, और ये जो फोटो को मैंने बना के रखे हैं इसके पीछे एक एक छोटा छोटा स्टैंड लगा देंगे कार्डबोर्ड के पीसेस काट के, और इसको सेट करेंगे इसके अंदर में। अब इन फोटो को चिपकाने के लिए एक एक स्टैंड ऐसे बना लिए हैं। आपके पास अगर डॉल है तो आप डॉल से भी सजा सकते हैं। सब में स्टैंड जोड़ देंगे। ये मैंने सजा दिए हैं, आपको जैसे मर्जी आप डेकोरेट कर सकते हैं। और ये मैंने कुछ स्टार्स बना के रखे हैं, तो आप स्टार्स को ऊपर से स्टिकर से चिपका देंगे। ऐसे अंदर के साइड से चिपका देंगे। मैंने सारे स्टार्स लगा दिए हैं और डेकोरेट भी कर दिए हैं। आप चाहे तो इसमें खूब सारे कलरफुल लाइट्स लगा के भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब ये क्रिसमस क्रिप बिल्कुल कंप्लीट है। आपको ये क्रिसमस क्रिप कैसे लगा आप जरूर से मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आए हो तो अब इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे आगे की वीडियोज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपने पसंद से डेकोरेट किया है, आप चाहे तो अपने पसंद से डेकोरेट कर सकते हैं। और मैंने इसे कोई कलर नहीं किया, जो नेचुरल कलर है उसी में ही रहने दिया। आप चाहे तो कलर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।